उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद एक छात्रा की गला घोटकर हत्या कर दी गई और उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवा दिया गया है। घटना के बाद हत्या आरोपी गाँव से अभी फरार है। नगला शीशम गाँव में एक युवती के साथ दुराचार और उसके बाद हत्या की सूचना 7 बजे स्थानीय पुलिस को मिली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा गया, तत्परता से इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दिया जा रहा है और शीघ्र ही दोषी की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 19 साल की बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा अपनी 15 साल की बहन के साथ घर में थी। उसके पिता मैनपुरी और मां आगरा काम से गए थे। गांव का ही निवासी 25 साल युवक पुष्पेंद्र लोधी पुत्र दिनेश सिंह लोधी घर में घुसाया और उसने छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि छात्रा ने शिकायत करने की धमकी दी तो उसने छात्रा के साथ मारपीट की और उसका गला घोट दिया, उसकी मौत हो गई। हत्या आरोपी ने उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया और घर का दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गया। घटना के बाद मृतका की छोटी बहन ने शोर मचाकर घर का दरवाजा खुलवाया और लोगों को इस घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और मामले की गहनता से जांच करने के साथ जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश थाना पुलिस को दिए। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में, पुलिस की जैसे जैसे इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है तो जल्द ही जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।